ऑलराइट गाइस, सो पूरे 5 साल बाद हम वापस उसी जगह में आ गए जहाँ से हमने अपना फूड ब्लॉगिंग चालू किया था। और ये लोकेशन जो है, ये नागपुर का ऐसा लोकेशन है जो कोई मिस नहीं करना चाहता। कोई भी नागपुर से पहली बार आता है तो सबसे पहले यहीं पे लेके आते हैं। और केपी ग्राउंड के सामने आ चुके हैं हम लोग पोहा खाने के लिए। तर्री पोहा जो बोलते हैं नागपुर का फेमस, हम तो रेगुलरली खाते रहते हैं, बट आज आपको नए तरीके से दिखाते हैं। सो लेट्स ट्राई सम तर्री पोहा फ्रॉम नागपुर। ऑलराइट, सो आप जैसे देख सकते हैं फाइनली आ गया है तर्री पोहा। और इसके ऊपर जो टॉपिंग रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है चीज़ है, ये है टमाटर, जो कि बहुत महंगा हो गया है, बट नागपुर में ये चीज़ आपको तर्री पोहा के साथ मिलती है एज ए टॉपिंग। और इसको जो खाने के बाद जो सप्लीमेंट लगता ना, इससे मतलब बहुत टेस्टी और जो टेस्ट बढ़ता ना इससे। और तर्री आपको जितना तीखा करना है उतना आप तीखा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा तर्री उतना तीखा। और चना इट्स एन एड ऑन, एंड चूड़ा डाला जाता है इसमें जो कि हल्का सा स्पाइसी रहता है। अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब लेट मी टेक अ बाइट। नागपुर में आप कभी भी आए होंगे तो आपके फ्रेंड ने यहाँ पे तो ज़रूर लेके आया होगा। केपी ग्राउंड के एकदम ऑपोजिट में है और दिन भर यहाँ पे कंटिन्यूसली भीड़ ही रहती है। लोग आते जाते खाते जाते और कुछ लोग यहाँ से चलते चलते खा के अपने ऑफिस की तरफ निकलते हैं। कुछ लोग का रोज़ का नाश्ता ये 7 बजे तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही रहता है। और दिन भर में कितने प्लेट निकल जाता होगा भैया अंदाजा? हाँ, कम से कम 1000 प्लेट तो यहाँ पे आराम से निकलते होंगे, मेरे को तो इतनी गारंटी है। अभी टांगी टेस्ट इसका एकदम जैसा सालों से बनता आ रहा है वैसे ही अभी भी है। ये बोलना मेरे लिए, मेरे को लगता है नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 100% अगर आप नागपुर आते हैं तो ये ट्राई करना बनता है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई, बट ओनली ट्राई इफ़ यू आर अ स्पाइस लवर। सो दिस इज अबाउट नागपुर का तर्री पोहा। ये दुकान किसकी है? राजेश चारी। ऑलराइट, सो बालाजी का नाम है इसका? हाँ, श्री बालाजी। ऑलराइट, सो ये कितने साल पहले चालू हुआ था? ये 2001 में चालू हुआ था। 2001 में, मतलब 22 साल हो गए। 21-22 साल होने में आ गए यहाँ पे। और भैया ये यहाँ पे कितने प्लेट बिक जाते होंगे? यहाँ 400-500 प्लेट बिक जाता है। 400-500 प्लेट बिक जाते हैं। डोसा मतलब कंटिन्यूसली बनते ही जा रहा है यहाँ पे, एक पल का भी मतलब मेरे को होल्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सुबह से लेके दोपहर तक के 2 बजे तक के डोसे बनते ही जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डोसा, इडली, अप्पे, उपमा और क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है, सब इतना ही है। मतलब साउथ इंडियन पूरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है यहाँ का डोसा, एकदम टिपिकल डोसा लंबा वाला और एकदम क्रिस्पी है, तोड़ते साथ ही समझ में आता है। अंबर की स्मेल है ना, ये आपको अरोमा से ही इसका साउथ इंडियन वाला फील पता चल जाएगा। एकदम जो खुशबू आती है ना, एकदम साउथ इंडियन खुशबू है। रेंटल इलेक्ट्रिक साइकिल का जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे तब हम लोग ने यहाँ पे आके खाए थे, उसके बाद से मैं यहाँ का फ़ैन बन गया हूँ। ये वाला जो डोसा है ये चीज़ डोसा है, अंदर भी चीज़ का फीलिंग है, ऊपर से टॉपिंग भी चीज़ का दिया हुआ है। मज़ा आ गया। अब असली माल मसाला निकालेंगे इसका, मसाले डोसा का जो जान होती है वो होता है आलू। और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, बहुत ही टेस्टी है, सादा है और इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ज़्यादा तीखा नहीं करते, ज़्यादा फालतू में मसाले नहीं डालते, बहुत ही सिंपल आलू है इसका और यही मेरे को बेस्ट लगता है। आपको खाना है तो लोकल स्क्वायर के सामने यहाँ पे 7 से 2 बजे तक के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो अब मैं खाता हूँ एंड आपको आना है तो जल्दी से गाड़ी निकाली आइए। ऑलराइट, सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं जोशी समोसा चाय रेस्टोरेंट। ये मतलब जैसा कि मेरे को अभी पता चला ये 95 ईयर्स ओल्ड है, 1925 में चालू किया गया था ऐसा मेरे को बताया गया है। सो अभी देखा जाए कि एक्चुअली में इसका टेस्ट कैसा है और जाके ओनर से बात करते हैं और अंदर का देखते हैं कि कैसा क्या है। यहाँ पे समोसा बहुत फेमस है, अगर तिरंगा स्क्वायर पे ही है, क्या किसी को भी पूछेंगे तो सब बता देंगे इसका एड्रेस आपको। तो इतना फेमस है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अभी जाके ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअली में है कैसा। अभी मैं खड़ा हूँ मिस्टर नरहरी पी जोशी के साथ। ये 95 साल के पास पास हो गया है। 95 अरे बापरे, मतलब आपका पूरा फैमिली बिजनेस चलाते हैं, ब्रिटिश समय से चलाते आ रहे हैं और अभी तक चल रहा है और अभी तक इसका नाम है। नागपुर वालों को क्या बोलना चाहेंगे? नागपुर वालों सबको सहमति, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको लेके चलते हैं लोग, एक दूसरे को सपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे बैठने की भी जगह दी गई है और बेड स्ट्रीट फूड में भी आपको सब करके मिल रहा है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग।
यहाँ का जो स्पेशल उन्होंने बताया कि यहाँ का जो दही समोसा है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं जो है इसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत सही लग रहा है, मतलब क्योंकि पूरा दही से भरा हुआ है और मेरे को दही बहुत पसंद है। और अगर आप बोलेंगे कि मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है तो मैं सबसे पहले दही समोसा ट्राई करता हूँ, मेरे को सबसे पसंद है। मस्त तीखी मिर्चियाँ और इमली की चटनी भी दी है, तो अपने हिसाब से मैं जितना मीठा करना है उतना कर सकता हूँ। इसमें इमली चटनी मिला के खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ा सा जो दही है थोड़ा सा सॉल्टी लग रहा है, तो इमली की चटनी के साथ मिला के वो परफेक्ट ब्लेंड होगा। नॉट बेटर, टेस्टी है, हल्का सा समोसा थोड़ा सा स्पाइसी है और दही ऊपर से चूड़ा डाला है थोड़ा सा, और जो मोटी सॉफ्ट रहती है वह डाली है, और धनिया और मिर्ची पाउडर डाला है। सो ओवरऑल इट्स गुड। क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक बोले तो? ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फट से ना सब्सक्राइब मार लो, एकदम माहौल बनाना है अपन को। ये 2022 जो है ना एकदम मस्त तोड़ बनाएंगे अपन, एंड लेट्स हैव सम ग्रेट वीडियोस। एंड इस साल बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मामा स्ट्रीट फूड खाना तो बनता है, और अपने दोस्तों को लेके जाओ और खा के आओ और बताओ मेरे को कि कमेंट में कि कैसा लगा आपको। एंड या और वीडियोज़ आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब करो।